हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक कस्टम रोम वन प्लस 8T का, जो कि एक पोर्टेबल रोम है। ये रोम वन प्लस 8T से पोर्ट की गई है हमारे डिवाइस रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए। चलो देखते हैं क्या ये रोम हमें गेमिंग अच्छी करवा सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसे अनलॉक करते हैं एंड आप देख ही सकते हो उसका छोटा सा एक आउटर व्यू। सेटिंग में चल के आप लोगों को दिखा दूँ, ये अभी एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है। हालांकि ये बहुत पुराना OS मतलब पोर्ट रोम है, फिर भी देखते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। रेडमी नोट 10 प्रो में तो ग्राफिक अल्ट्रा तक किया जाता है 40 FPS, पर इस रोम को इंस्टॉल करने के बाद हमें ग्राफिक 90 FPS तक देखने को मिलते हैं। क्या ये रोम हमें 90 FPS पूरा देती है या 90 मतलब 60 या 90 के बीच में देती है? गेमिंग तो अच्छी हो जाती है, पर हमें 60 FPS देखने को मिल जाते हैं, मतलब 60+ देती है, फुल 90 FPS नहीं मिलते। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके, मतलब मेरी एक स्क्रीन रिकॉर्ड करी हुई पहले की है वीडियो, और उसे में आप FPS भी देख सकते हैं। 59 पे रहता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 60 FPS दे रही है ये जो। एंड मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी देखा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता एंड बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो तो मैं आपके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, और ये वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।